पटना में आप भाई पार्टी कार्यालय के लिए अमित जी अनेक ऐसे जगह उपलब्ध हैं, आपको आवंटित किया जा सकता है, लेकिन आपको यही बंगला चाहिए। इसमें यह झलकता है कि आपका हृदय बड़ा नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने आप को और अपनी पार्टी को हुम कर लिया, उस वो तो कम से कम इतना कुछ डिजर्व नहीं कर रहा था। चुनाव आयोग ने बंगले को फ्रीज कर लिया और दोनों पार्टी को रीजनल पार्टी होने का मान्यता दे दिया। ये आश्चर्यजनक बात है कि 14/6/2024 को हमने विभाग को पत्र लिखा और चिराग जी ने इसी महीने की 4 तारीख को पत्र लिखा और 8 तारीख को उनको बंगला अलॉट हो जाता है। कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज में न्याय के साथ विकास होता है, लेकिन आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ न्याय नहीं। तो देखिए अभी हम कहाँ हैं, अभी हम हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में के बाहर, जिसका आवंटन जो है वो रद्द कर दिया गया है। अब ये कार्यालय हो गया है लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान का। एक तरह से कहिए कि बदला जो चिराग पासवान लेने की ठानी थी चिराग पासवान ने अपने चाचा से, वो बदला कहीं ना कहीं जाकर पूर्ण हुआ। पहले तो लोकसभा में चुनाव में एक भी सीट नहीं, उसके बाद पार्टी भी छीन ली। देखिए प्रवक्ता चंदन जी हैं, चंदन जी चिराग पासवान ने तो बदला ले लिया, लोकसभा में एक भी सीट नहीं, पार्टी भी छीन लिया, मतलब अब कार्यालय से तो बेघर हो गए ना आप लोग। देखिए ये देखने से लगता है कि यह बदले की राजनीति है। और वन व्हीलर रोड शुरू से, जब से आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी मंत्री बने, वन पर्यावरण मंत्री बने, तब से वन व्हीलर रोड उनको आवंटित था। 2000 में जब पार्टी का निर्माण हुआ तो यहाँ पर पार्टी कार्यालय चलने लगा और लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से इस बंगले को का आवंटन हुआ। अब जब विवाद हुआ 2020 के बाद, तो ये लोक जनशक्ति पार्टी का विषय चुनाव आयोग के पास चला गया, चुनाव चिन्ह किसको रहेगा, पार्टी किसकी रहेगी। तो चुनाव आयोग ने बंगले को फ्रीज कर लिया और दोनों पार्टी को रीजनल पार्टी होने का मान्यता दे दिया। अब हमारे पास यह कब्जे में था, तो कई बार भवन निर्माण विभाग को हमने पत्र लिखा कि इसका जो भी किराया बनता है आप बताइए, हम भुगतान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विभाग ने कभी भी इसको संज्ञान नहीं लिया। जबकि विभाग को ये भी बताया गया कि हम रीजनल पार्टी हैं, पार्टी का लेटर भी उनको दिया गया, कई ऐसे पत्र की प्रति हमारे पास है। तो अब देख लिया, आश्चर्यजनक बात है कि 14/6/2024 को हमने विभाग को पत्र लिखा और चिराग जी ने इसी महीने की 4 तारीख को पत्र लिखा और 8 तारीख को उनको बंगला अलॉट हो जाता है। तो किसके दबाव में प्रभाव भाई राजू तिवारी में ये हो रहा है? हाँ। अब ये किसके दबाव में हो रहा है, जनता तय करे। मतलब 4 तारीख को आप आवेदन दीजिएगा, 8 को आपका हो जाएगा, क्यों? तो भाई नीतीश कुमार का आशीर्वाद है तभी ना। अब आपने कही दिया, हम नहीं, आप कहिए ना। देखिए हम जब हम सब जानते हैं तो आपको कहने में क्या तकलीफ? नहीं देखिए, हम तो इतना जानते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज में न्याय के साथ विकास होता है, लेकिन आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ न्याय नहीं। नहीं तो न्याय नहीं हुआ था। नेता ने, सुन लीजिए, जिस नेता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने आप को और अपनी पार्टी को हुम कर लिया, उस वो तो कम से कम इतना कुछ डिजर्व नहीं कर रहा था। देखिए चंदन जी, आप भी जानते हैं कि राजनीति में पावर उसी की होती है जिसके पास संख्या बल होती है, और कहीं ना कहीं मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में आप लोगों से चूक हो गई। नहीं देखिए, जब लक्ष्य तय कर लिया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो हमारे नेता ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात हुई थी, आदरणीय अमित शाह जी से हुई थी, सबके सम्मान को रखते हुए चुनाव में नहीं गए और हमारे सभी सांसद बैठे और एनडीए के पक्ष में प्रचार किया। अब कोई तय कर ले कि हमको इसी यही बंगला चाहिए। इस पटना में आप भाई पार्टी कार्यालय के लिए अमित जी अनेक ऐसे जगह उपलब्ध हैं, आपको आवंटित किया जा सकता है, लेकिन आपको यही बंगला चाहिए। इसमें यह झलकता है कि आपका हृदय बड़ा नहीं। पिता का कार्यालय रहा है तो लेंगे ना। देखिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बंगला तो शुरू से पशुपति कुमार पारस के नाम से ही रहा है। 12 जनपद दिल्ली का स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम से आवंटित था, वो मंत्री थे, काफी लंबे समय तक रहे।
चूंकि एज ए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पशुपति कुमार पारस जी के बड़े भाई थे, आते थे, रहते थे, हर चीज़ था, इस पार्टी कार्यालय से उन्होंने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, लेकिन ये आवंटन बराबर आदरणीय पशुपति कुमार पारस आगे क्या अब बाहर खाली कीजिएगा। ठीक है, सरकार का जो निर्णय है हम कोर्ट के शरण में जाएंगे और माननीय कोर्ट जो तय करेगी हम उसको स्वीकार करेंगे। बिना कोर्ट के फैसले के खाली नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। चलिए, अन्याय हो रहा है ये कहना है पशुपति कुमार पारस जी के प्रवक्ता हैं उनका, और कहना है कि खाली नहीं करेंगे, कोर्ट की शरण में जाएंगे। अब देखना है कि कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है।